दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार, स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आ गया हूं एक वीडियो लेकर के, जिसमें दोस्तों एक सवाल का मैं यहां पे जवाब देने वाला हूं, और ये जवाब देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग कॉमेंट में हमसे ये सवाल कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये सवाल आपके दिमाग में टेंशन सा भर दिया है। तो भैया आपका टेंशन दूर करने के लिए मैं यहां पे आ गया हूं, और जाहिर सी बात है अगर आपको टेंशन होगा तो डोंट वरी किस काम का, डोंट वरी यूट्यूब चैनल किस काम का है कि आपको टेंशन हो जाए। तो आपके टेंशन दूर करने के लिए मैं इस सवाल का जवाब लेके यहां पे आ गया हूं। तो जाहिर सी बात है थंबनेल में आपने यहां पे देख ही लिया होगा सवाल क्या है। और दोस्तों ये सवाल आप लोग हमसे बहुत बार पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है पूछने का रीजन ये है कि 5 बिलियन सेल्स में जो यहां पे अभी तामझाम सारा कुछ हुआ है आप लोग को पता है, और यहां पे चूंकि पेमेंट का डेट भी नजदीक आ रहा है, तो आप लोग कहीं ना कहीं ये सवाल आना लाजमी है। मैं समझता हूं सवाल आना लाजमी है दोस्तों, लेकिन आपके पास दिमाग भी है, बुद्धि भी है, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए और विचार कीजिए कि ये क्या ये सही है जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए अपने दिमाग का, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको मदद करने के लिए यहां पे आ गया हूं ये वीडियो लेकर के, ठीक है? तो प्लीज इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यही जान पाएंगे कि जो सवाल है। तो भैया चलिए मैं सवाल रख ही देता हूं, सवाल यही आपके दिमाग में आ रहा है कि 5 बिलियन सेल्स कहीं भाग तो नहीं गया, ये पैसा देगा भी या नहीं देगा, देगा तो कब देगा। बहुत तरह का सवाल जो इस तरह का दिमाग आपके मन में आ रहा है, कहीं ये लूट के भाग तो नहीं गया, कहीं ये स्कैम तो नहीं है, इस तरह का आपके सवाल जो है आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है? इस वीडियो में बने रहिए, इस सवाल का जवाब आपको मिल भी जाएगा और आपका टेंशन भी यहां पे दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त सबसे पहली बात यह है कि हमको समझना होगा ये फ्रॉड क्या होता है, चीटिंग क्या होता है। अब समझिए दोस्त, बहुत लोग यहां पे फंसे हैं, मुझे मालूम है, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसे हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई हैं जो बोलता है कि भैया आप हमको पैसा दो, आपको 6 महीना, 6 साल या 4 साल एक समय देता है, और समय बोलता है कि मैं आपको दुगना या चौगुना करके दे दूंगा। तो सबसे बड़ी भूल तो हम यही करते हैं कि भैया बिना जांच पड़ताल किए हम उसको पैसा आराम से दे देते हैं। तो भैया अपना हाथ तो आपने खुद काट लिया पैसा दे करके, ठीक है? लेकिन 5 बिलियन सेल्स में ये चीज नहीं है, क्योंकि यहां पे हमने कुछ पैसा नहीं दिया है। तो यहां पे इस तरह का जो सवाल आपके दिमाग में आएगा, तो भैया वो तो जिसका कार्ड तो यहीं पे हो गया कि आपने पैसा नहीं दिया है, वहां पे आपने पैसा दिया, हाथ काट दिया, यहां पे आपने पैसा नहीं दिया है, तो यहां पे इस मामला में आप सेफ हो, समझ गए? जो दोस्तों मैं कुछ कंडीशन करके यहां बताऊंगा, कंडीशन देके बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एक बैठ जाए, एक आपका पॉजिटिव सेंस यहां बैठ जाए। हां दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि 5 बिलियन सेल्स के पक्ष में यहां पे बात करने वाला हूं। 5 बिलियन सेल्स मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है, मैं कोई स्टाफ नहीं हूं 5 बिलियन सेल्स का, या कोई प्रमोट करने के लिए मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, क्लियर? मैं बता दूंगा सभी लोगों को, मैं जस्ट लाइक एक यूजर हूं, जैसे कि आप यूजर है वैसे मैं भी यूजर हूं, जैसे कि आप यहां से कमाई कर रहे थे अभी तक मैं भी वैसे ही कर रहा था, समझ गए? तो क्लियर है यहां पर जो भी आंसर मैं उत्तर दे जा रहा हूं, उत्तर दे दूंगा इस वीडियो में, वो फैक्ट के आधार पर दूंगा, ठीक है? जनरल सी बात मैं दूंगा, और रही बात की इसमें आप लोग का कितना सहमति है वो तो कमेंट के माध्यम से मुझे पता चल जाएगा, तो कमेंट तो जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहला कंडीशन बताया कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं किया है, तो भैया वो लूटने का तो सवाल ही नहीं है। दूसरा कंडीशन आप ये बोलते हैं कि हम लोग का डेटा लूट के चला जाएगा, मैं इस पे आऊंगा, क्योंकि जो आपके मन में संभावना है सवाल उठने का सारा कुछ मैं यहां पे बताने वाला हूं कि हमारा डेटा यहां पे लूट के चला जाएगा, उसका गलत इस्तेमाल करेगा, ठीक है? दोस्तों चलिए मैं बताता हूं आप सभी लोगों को कि डेटा तो आपको सब लूट रहा है, कौन नहीं लूट रहा है आपका डेटा, सब लूट रहा है, जितना भी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो आप जाके वहां पे वेबसाइट पे विजिट करते हैं सब आपका डेटा ले रहा है, ठीक है? लेकिन डेटा वो कौन लेता है, डेटा हम लोग का बिहेवियर डेटा लेता है, जो हम लोग जाके सर्च करते हैं, पसंद करते हैं, सारा कुछ मैं बता चुका हूं ऑलरेडी वीडियो में। तो वैसा डेटा से उन लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है और मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? चलिए उन लोगों का फर्क पड़ेगा कि उन लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उस डेटा से ना वो हमारे बैंक तक पहुंच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्लियर है? और 5 बिलियन सेल्स तो यहां डेटा जब आपका अकाउंट डिलीट होता है तो डेटा भी खत्म कर देता है, इसने अपने 5 बिलियन सेल्स का जो बैक ऑफिस है उसमें दे रखा है, ठीक है? तो चलिए मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कि आपको विश्वास नहीं है 5 बिलियन सेल्स पे, चलिए कोई बात नहीं है। दोस्त मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि जब भी कोई ऑनलाइन कंपनी फ्रॉड करती है, भाग जाती है,
वो स्कैम करती है, तो सबसे पहले वो अपना वेबसाइट को बंद करता है। क्या बंद करता है? अपना वेबसाइट को बंद करता है। अब देखिए आप, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्या वेबसाइट बंद है। मैं अभी जस्ट आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे खोला हूँ, क्या ये फ्रॉड है? दोस्तों अगर ये फ्रॉड करना होता ना तो ये वेबसाइट खुलता ही नहीं, ये वेबसाइट खुलता ही नहीं। अलग बात है कि अभी लॉक है, लॉग इन नहीं है, उसका कंडीशन अलग है, खुलता ही नहीं वेबसाइट। यहाँ पर सीधा जो है, जो उसका वेबसाइट है www.fabulousself.com जो भी है वो बंद हो जाता, वो बंद कर देता। तो पहला कंडीशन यहाँ पे ये है, ठीक है, कि भैया ये वेबसाइट स्कैम नहीं है, फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ये खुल रहा है। चलिए पहला कंडीशन मैंने आपको बता दिया। थोड़ी दूसरा कंडीशन है, पहला तो वो था इन्वेस्टमेंट वाला, ये दूसरा कंडीशन है, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं दोस्तों, आप लोग एक ध्यान दिए होंगे, फैबुलियन सेल्स जब लॉन्च ही हुआ था उस समय से दोस्तों इसने एक ऑप्शन दे रखा था, क्लोज माई अकाउंट, भैया कि आप इसको छोड़ के जा भी सकते हैं। दोस्तों कोई फ्रॉड करने वाला कंपनी ऐसा करता क्या? वहां पे वो अपना कोई बटन देता, कोई ऑप्शन देता कि यहां पे आप छोड़ के निकल जाइए? नहीं देता, क्लियर बोल रहा हूं, वो नहीं देता जो फ्रॉड करने वाला कंपनी होता। लेकिन ये फ्रॉम स्टार्टिंग से दोस्तों दे रखा है क्लोज अकाउंट, क्लोज अकाउंट, आप यहां से जा भी सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है तो। फ्रॉड करने वाला कंपनी यहां पे दोस्त कभी वो ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। और अभी अभी जब आईडी हम लोग का लॉक है, जब लॉगिन नहीं हो रहा है, तो फिर भी यहां पे एक ऑप्शन आया है दोस्तों, रिमूव माय अकाउंट, अभी भी हम कह रहा है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको छोड़ के जा सकते हैं। क्यों ऐसा कहेगा दोस्त? मैं आप सभी लोग को बता दूं कि अगर इस 5 लाख को फ्रॉड ही करना होता तो जानते हैं क्या करता? ये जो डेट दिया था ना 25 अगस्त, ये 25 अगस्त तक एकदम शांत रहता, आराम से हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन करते रहते। एक बात बताइए, अगर 25 अगस्त से पहले तक ये आईडी आपका लॉगिन रहता तो रजिस्ट्रेशन आप करते कि नहीं करते? करते ना। लेकिन दोस्तों इसने अपना द्वार बंद कर दिया है, अभी ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन आप कर नहीं सकते हैं। फ्रॉड कंपनी ऐसा करेगा क्या? फ्रॉड कंपनी को तो चाहिए जितना यूजर आ जाए, जितना आ जाए आओ भैया, वो दरवाजा क्यों बंद करेगा? नहीं करेगा, समझ रहे हैं? सोचिए जो मैं बता रहा हूं, दरवाजा कभी बंद नहीं करेगा। जबकि 5 बिलियन सेल्स, जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, चाहे किसी भी तरह से प्रॉब्लम हुआ है, तो सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया है, रजिस्ट्रेशन नहीं होने देता है, यानी उस दरवाजा को ही बंद कर देता है, अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? तो दोस्तों और हां, ये जो ताम झाम पूरा इसने जो किया है, ये क्यों करता? इसने जो है आईडी लॉक करने का, यह करने का, मतलब जो आपने देखा उसके बारे में नहीं जा रहा हूं, आपको मालूम है क्या हुआ है, इसने ये जो किया है क्यों करता, क्या मतलब है सबका? तो फ्रॉड करता, सीधा निकल जाता 25 अगस्त से पहले तक, सारा जितना भी यूजर आए, जितना भी आईडी आए भैया, उसको जमा करता डेटा को, यहां से फुर उड़ जाता, निकल जाता, करता कि नहीं करता? और दोस्तों आपको मालूम है कि यहां पे कुछ लोग का आईडी अभी लॉगिन भी है, अरे भैया इसको लॉक ही करना होता तो सभी लोग का आईडी लॉक करता, करता कि नहीं करता? सब लोग का आईडी यहां पे लॉक करता, कुछ रीजन दे देता कि आपको यह प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम है, हम लोग थोड़ी पता लगाने जाते वहां पे कि भैया हमको यह प्रॉब्लम हुआ है। जिस तरह से हम लोग शांत है ना कि चलो भैया हमने गलती भर दिया है, फॉर्म लॉक हो गया है, तो जिन लोगों का आईडी अभी लॉगिन है, अनलॉक है, जो फॉर्म सही से भरे उनका आईडी लॉगिन हो गया आपको मालूम है, उनका भी लॉक कर देता। लेकिन दोस्त उसने ऐसा नहीं किया, इससे यह साबित होता है कि यह किसी भी आधार पर फ्रॉड नहीं है। और दोस्तों एक बात बताइए, ऑनलाइन मार्केटिंग हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग हो, कैसे फ्रॉड करता है आपको बखूबी मालूम है, सभी लोग को मालूम है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी से धोखा आपको मिला है, ठीक है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि ऐसा ये क्यों करता है? ये तामझाम कुछ करता ही नहीं, बिल्कुल शांत रहता, जो आना है आने दो, जिसको आना है आने दो, समझ रहे ना। लेकिन अभी देखिए ये बंद किए हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, गारंटेड सेल, जिन लोगों ने गारंटेड सेल लिया है उन लोगों तो इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, अरे डेटा तो अपना दिए ही दिए हैं, पैसा भी दिए हैं, तो दोस्तों उसको तो लेके भाग जाते हैं, उनका तो आईडी पहले ही उसको लॉक कर देना चाहिए था। लेकिन गारंटेड सेल लोगों का आईडी अभी लॉगिन है, अनलॉक है, खुला हुआ है, क्यों? सबसे पहले तो उनका आईडी को लॉक करना चाहिए था, भैया उनसे पैसा भी लिया है, अरे हम लोग क्या दिए, हम लोग सिर्फ डेटा ही दिया है ना, पैसा थोड़ी दिया है, लेकिन उन लोगों तो पैसा भी दिया है गारंटेड सेल वाले, और बहुत लोगों को पेमेंट भी दिया, चलो पेमेंट मान लेंगे विश्वास करने के लिए दे सकता है आपके अनुसार। लेकिन दोस्त आईडी तो सभी को ये लॉक करता, करता कि नहीं करता? अब मेरे भाई एक बात, सबसे बड़ी चीज, अगर ये फ्रॉडिंग है तो आप इसके साथ हैं क्यों? क्यों नहीं उस बटन पे दबा के आप बाहर निकल जाते हैं, साइड हो जाते हैं? और यकीन मानिए जो लोग साइड हो गए उनको आप बाद में हेलो बोलिएगा,
देखिएगा कैसे रिएक्ट करते हैं। मुझे मालूम है दोस्तों ये फ्रॉड नहीं है, ये बिल्कुल यहां से इनकम देगी और देगी अब पक्का देगी। थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम आ गया है जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है जेन्युइन है, उसको ऐसा करना ही चाहिए। ये सही कंपनी ही ऐसा कर सकता है, गलत क्यों करता दोस्त, गलत कंपनी ऐसा क्यों करता। वो तो आराम से जो है बैठा रहता, कुछ नहीं करता तामझाम, जो आ रहा है आने दो, जैसे आ रहा है आने दो, जिस तरह से यूजर आ रहा है आने दो, डेटा ही तो आ रहा है। बाद में आराम से जब उसको लगता है कि बहुत डेटा आ गया है, आराम से छोड़ के चल जाता, या फिर 25 अगस्त का जो टाइम दिया है पेमेंट के लिए 24 अगस्त को भाग जाता, 24 अगस्त को वेबसाइट बंद कर देता। होता कि नहीं ऐसा, करता कि नहीं, फ्रॉड ये कर सकता है ना। तो दोस्त प्लीज आप बताइए कि आपके दिमाग में ये जो क्वेश्चन आ रहा है बार 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 कि ये जो स्कैम है फ्रॉड है, दिमाग लगाइए ना थोड़ा, सोच क्यों नहीं रहे हैं आप, सोचिए। डिलीट की हुई आईडी को भी इसने मौका दिया है दोस्तों आने के लिए, ज्वाइन होने के लिए, वहां पे भी उसको एक्सेस करने का, रिकवरी एक्सेस करने का ऑप्शन दिया है। क्यों देता है ये, मतलब जिनका ब्लॉक हो चुका है और वो देख रहा है कि नहीं ये सही बंदा है तो उसको वो दे रहा है, क्यों देता है, उसको नहीं देना चाहिए था, समझ रहे ना। फ्रॉड गिरी करना होता तो ये सब कुछ नहीं करता, तामझाम लंद फंद कुछ नहीं करता, क्लियर मैं बोल रहा हूं दोस्तों, समझिए। फिर मैंने बताया ना आपको फ्रॉड करने वाला है तो आप क्यों साथ देना है, बटन दबाइए बाहर निकल जाइए। क्यों नहीं निकल रहे हैं आप, क्यों नहीं निकल रहे हैं, निकलिए ना बाहर, वो तो दिए हुए ऑप्शन। फ्रॉड करने वाला कंपनी कभी ऑप्शन देता है क्या, नहीं देता है दोस्त, समझिए चीजों को, समझिए, दिमाग है सोचिए। मैं भी बता, इसलिए तो वीडियो ला रहा हूं कि आपके दिमाग में थोड़ा एक्टिव कर दूं, मैं थोड़ा सोचने विचारने का शक्ति तो बढ़ा दूं ताकि आपको दिमाग थोड़ा सा कंट्रोल में रहे और शांत रहे, आप सोचे कि ना सही बात है। और दोस्त जो लेट हो रहा है, जो सही कंपनी होता है वही लेट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्त, जब तक आपका सारा कुछ ठीक ना हो जाएगा ये क्यों करेगा अभी अनलॉक। सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद शांति से आराम से अनलॉक करेगा, आप लोग कमाई कीजिए, पैसा कमाइए दोस्त, ये गलत नहीं है। आप लोग बेकार में टेंशन ले रहे हैं, अपने दिमाग से ये जो है सारा जो है चीज कचरा पट्टी को हटा दीजिए, समझ गए, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि जो कंडीशंस बता रहे हैं, जो हालात अभी बता रहे हैं, इससे यह नहीं साबित होता है कि यह फ्रॉड करने वाला कंपनी। आप साबित कीजिए, अगर किसी बंदा को यह लगता है कि यह फ्रॉड करने वाला है, साबित कर दो आप जो है कमेंट में लिखिए। हाँ मुझे मालूम है दोस्तों कि आप यही लिखेंगे कमेंट में कि भाई ये जो है 25 अगस्त जब नजदीक आया है तो ये तामझाम कर रहा है, बस आप यही लिख सकते हैं, लेकिन ये तो साबित नहीं करता है कि यह फ्रॉड करने वाला कंपनी है, समझ गए दोस्तों। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जिन लोगों का आईडी अभी लॉक है, वो गारंटेड सेल लिए हुए हैं दोस्त, उनको अभी भी कमीशन मिल रहा है, उनको मेल पे मैसेज आ रहा है, आईडी तो लॉक है लेकिन मेल पे मैसेज आ रहा है दोस्तों। ये मैसेज देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यार जिसको मतलब कंपनी को फ्रॉड करना है क्यों करेगा, ये सब क्यों पैसा देगा दोस्तों। मैं बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है प्लीज इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं कर रहा, सिर्फ टेंशन होगा आपको। अगर आपको ज्यादा ही टेंशन हो रहा है तो बटन को दबाइए और निकलिए, क्योंकि टेंशन यहां लेने से कोई फायदा नहीं, टेंशन तबियत आपका खराब हो जाएगा, समझिए। अपना तबियत खराब मत कीजिए आप लोग, बटन को दबाइए निकल जाइए, अभी भी मौका दे रहा है कंपनी। तो भैया मुझे तो काम था बताना, मैंने आपको बता दिया है, जो कंडीशंस हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये जो कंडीशंस हैं ये तो नहीं लग रहा है कि इसे फ्रॉड करने वाला कंपनी है। अब आगे आपकी मर्जी है, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर आदमी का अपना एक मर्जी होता है, अपना एक तरीका होता है। तो प्लीज आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो जाहिर सी बात है अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप कोर्स आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने डाउनलाइन में, जिनके भी दिमाग में टेंशन भरा हुआ है, क्वेश्चन आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो प्लीज मेरे भाई कमेंट तो करिएगा ही, कीजिएगा जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो के हम समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो के हम समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय की बोर्ड 91.5 बिलियन।